सो हेलो एवरी वन दिस इज वर्षा सो गाइस जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग एन एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर तो बेसिकली जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें आपको पता होगा कि आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन का टेन डिफरेंट क्वेश्चन है जिसको लेकर हम प्रैक्टिस करने वाले डिस्कस करने वाले एंड इट इज गोइंग टू बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड लेट मी टेल यू दैट इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स बोथ इंग्लिश वन एंड इंग्लिश टू इज कम्पल्सरी सब्जेक्ट दैट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब आपको पता होगा कि बेस्ट ऑफ फाइव मार्क्स लिया जाता है ओवरऑल जबकि रिजल्ट आएगा तो आपको मैं इस इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आई एल बी एक्सप्लेनिंग यू कि बेस्ट ऑफ फाइव कैसे कैलकुलेट होता है लेकिन उसमें इंग्लिश 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 लैंग्वेज लैंग्वेज बोथ पेपर पेपर एंड एंड दैट इज इज लिटरेचर अ कंपलसरी सब्जेक्ट दैट मीनस दोनों का मार्क्स आपको एड करना कंपल्सरी है तो इसीलिए यू कैन नॉट बी टेकिंग इंग्लिश लाइटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू वेल इन बोथ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर तो बेसिकली नो प्रैक्टिस के लिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोग टेन डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स वि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिल इन द ब्लैंस विदस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विद अप्रोप्रिएट वर्ड तो ये जो है पर ब्लैंक्स है पर प्रपोजिशन को आपको फिल करना है तो यहाँ पर कितना बार ऐसा होता है कि आपको एक ही मतलब एक डैश दिया रहता है उसमें आपको टू आंसर सुटेबल लगता है लेकिन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वन जो कि सबसे ज्यादा सुटेबल है मोस्ट सुटेबल वन यू नीड टू चूज दैट ओनली बिकॉज दो आंसर अगर आप मल्टीपल आंसर बोर्ड एग्जाम्स में लिखते हो सो यू वॉन्ट गेट एनी मार्क्स इवन इफ one is right out of the two but you won't get marks so it is very important cap को सबसे अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है एंड उसके साथ साथ देर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इसके लिए आपको द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू विल बी एबल टू डू सो देर इज नो शॉर्टकट आपको प्रैक्टिस करना है डेली एटलीस्ट वन एक्सरसाइज आपको करना है बिकॉज इंग्लिश में आप सोचोगे कि लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम खाली प्रिपरेशन कर लोगे क्योंकि ज्यादातर चीज अनसीन होता है तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी डेली आपको प्रैक्टिस करना है एंड द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर बेटर यू विल बी एबल टू परफॉर्म इन योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर तो लेट्स डिस्कस तो फर्स्टली यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर हम डिस्कस करेंगे अली टुक डैश हिज कैप एंड हिज फेस तो यहां पर होगा अली टुक ऑफ ओ डबल नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है माई डॉटर बिलीव्स डैश फेरीज तो यहां पर होगा माई डॉटर बिलीव्स इन फेरीज सो आंसर इज गोइंग टू बी इन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश टेन ईयर्स सो कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर होगा आई हैव लेफ्ट आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस टेन ईयर्स बट हेयर यू डोंट हैव टू यूज सिंस यू हैव टू यूज फॉर आंसर होगा फॉर आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन फॉर टेन ईयर्स तो ये चीज है उसके बाद वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज आई डोंट नो वॉट दे वेर आर्ग्यूइंग डैश बट आई कुड हेयर एंग्री वॉइज सो यहां पर होगा आई डोंट नो वॉट दे वेर आर्ग्यूइंग अबाउट इट विल बी अबाउट तो यहां पर अबाउट होगा वॉट दे वेर आर्ग्यूइंग अबाउट बट आई कुड हेयर एंग्री वॉइज क्वेश्चन नंबर फाइव इज द यंग चाइल्ड कैरीड द हैवी बकेट डैश द स्टेयर्स तो यहां पर होगा अप द स्टेयर्स द यंग चाइल्ड कैरीड द हैवी बकेट अप द स्टेयर्स नाउ कितने लोग यह, यहां पर ये यह पूछेंगे कि कैन वी राइट डाउन सो ह्यूअर लेट मी टेल यू दैट कभी भी यहां पर आप देख सकते हो द यंग चाइल्ड कैरी देवी बकेट बकेट क्या हैवी है सो ऑफकोर्स इट विल बी लिफ्टेड अप सो ऑफकोर्स यहाँ पर अप होगा इंस्टेड ऑफ डाउन सो क्वेश्चन फाइव तक हमने डिस्कस किया नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर सिक्स द राजस्थानी एक्सप्रेस डिपार्ट यहाँ पर दो डैश है डैश थ्री पी एम सो इट विल डिपार्ट एट थ्री पी एम कभी भी टाइमिंग दिया रहता है तो एट होता है सो डिपार्ट्स एट थ्री पी एम डैश मुंबई सो इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम मुंबई फर्स्ट डैश होगा एट और सेकेंड वाला आंसर होगा फ्रॉम सो so, ये चीज है नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन इज कम एंड सिट डैश मी कम एंड सिट विथ मी आंसर होगा विथ कम एंड सिट विथ मी तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको ये सारा क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो डेली एटलीस्ट वन एक्सरसाइज को अगर आप प्रैक्टिस करते हो सो हेयर यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर ग्रामर और जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा तो बोर्ड एग्जाम्स में यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम नाउ वी आर मूविंग अ हेड टू क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज माइकल इज लॉन्गिंग डैश मीट मी सो आंसर होगा माइकल इज लॉन्गिंग टू मीट मी और आप ये पूछोगे कि ये सारा क्वेश्चंस कहाँ से लिया गया है तो यहाँ पर लेट मी टेल यू दैट कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी है जो कि लेटेस्ट सैम्पल पेपर के अंदर दिया है नाउ ये ऑफिशियली सैम्पल पेपर रिलीज तो अभी तक नहीं हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली बेसिकली ऑसवाल बुक्स का कुछ सैम्पल पेपर्स है उसमें से लिया गया है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन इज द ओल्ड वुमन लुक्ड डैश द कबर्ड तो यहाँ पर होगा द ओल्ड वुमन लुक्ड इंटू द कबर्ड इन टू द कबर्ड सर्चिंग फॉर द फोटोग्राफ तो यहाँ पर होगा इन टू इन साइड द कबर्ड कितना लोग ये बोलेंगे कि इन साइड नो इन साइड इज रॉन्ग हेअर यू नीक टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड तो यहाँ पर क्या होगा लुक लुक इंटू द कबर्ड नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टू डेज तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना एंड जो कि फर्स्ट जो कि जो भी स्टूडेंट सबसे पहला आंसर करेक्ट देगा तो उसका कमेंट को मैं पिन करने वाली हूँ एंड आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स

सो दिस वॉ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू आंसर क्वेश्चन नंबर टेन इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दिस वॉज द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इसके साथ साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक जॉइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैं ट्राई करूंगी नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करना यू कैन जॉइन इट थैंक यू